अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर 9 अक्टूबर रविवार को शोपुर 12 इंटरस्टेट हाईवे चंबल नहर मुंडला पर चक्का जाम कर रहे किसानों और किसान नेता राम लखन हिरनीखेड़ा भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष राधेश्याम मीना मुंडला पर दर्ज FIR को वापस लेने की मांग को लेकर किसान संगठनों के आह्वान पर शुक्रवार को SP कार्यालय पर किसानों ने प्रदर्शन करके शोपुर एडिशनल SP सत्येंद्र तोमर को पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर किसानों ने प्रकरण को निरस्त करने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। एडिशनल SP ने प्रदर्शनकारियों किसानों को विवेचना करके FIR समाप्त करने का आश्वासन दिया। शोपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। किसान क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से जो फसल खराब हुई है उसके मुआवजे की मांग को लेकर 9 अक्टूबर रविवार को किसानों ने एक प्रदर्शन किया था बड़ौदा तहसील में। उन प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस प्रशासन ने मुकदमे दर्ज किए हैं। आज उनको लेकर क्षेत्र के किसानों के साथ SP कार्यालय पर प्रदर्शन करके घेराव करके एक ज्ञापन दिया है और मांग की है इन मुकदमों को निरस्त किया जाए, अन्यथा किसान संगठित होकर उग्र आंदोलन करेगा। श्योपुर क्षेत्र का जो किसान है संविधान और कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखने वाला है, लेकिन इस प्रकार से पुलिस प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार जो दमनकारी नीति अंग्रेजों की नीति अपनाएगी तो मजबूरन किसान भी क्रांतिकारियों का जो रास्ता है उस पर चलने को मजबूर होगा और सड़कों पर उग्र प्रदर्शन करने के लिए क्षेत्र का किसान बात है। और क्या विगत दिनों क्षेत्र में फसल के नुकसान को लेकर जो प्रदर्शन किया गया था उसके तहत किसानों पर प्रशासन द्वारा कुछ मुकदमे लगा दिए गए थे, उन्हीं को लेकर आज किसान समस्त किसानों की तरफ से ज्ञापन दिया गया था। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई थी कि किसानों पर लगाए झूठे मुकदमे वापस लिए जाए, क्योंकि किसानों ने अपने हक के लिए वो लड़ाई लड़ी थी। कोई प्रदर्शन या कोई चक्का जाम उनका शौक नहीं है किसानों का। प्रशासन को संगठनों के माध्यम से पहले अवगत कराया गया था कि फसल में नुकसान है, उसका सर्वे करा लीजिएगा, तो प्रशासन ने उसको नज़रअंदाज किया। उसी के तहत उसी के उत्तर में वो प्रदर्शन किया गया था। और ये तो तानाशाही चल रही है यहाँ पे, तो तानाशाही लोगों ने प्रदर्शन किया, मुकदमा कायम कर दिया। इसलिए आज सभी किसानों के द्वारा इकट्ठे होकर SP को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है कि किसानों पर लगाए गए मुकदमे तत्काल वापस लिए जाए, नहीं तो आगे आने वाले समय में श्योपुर क्षेत्र का किसान उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। उसी के तहत SP एडिशनल SP द्वारा आश्वासन दिया गया कि हमको 10 दिन का समय दीजिए, हम किसानों के साथ न्याय करने की कोशिश करेंगे।